So, अभी तक आपने YouTube पर काफी सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो लोग डाइट प्लान तो बता देते हैं बट ये नहीं बताते कि ये किस वेट कैटेगरी का है। सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू सीरीज में और इस सीरीज का नाम है डाइट चार्ट सीरीज। सो इस डाइट चार्ट सीरीज को समझने के लिए इसके कुछ मेन फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट इम्पोर्टेंट है बट जो लास्ट वाला पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो फर्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। सो जब भी मैं आपके साथ कोई भी डाइट चार्ट शेयर करूंगा तो वो डाइट चार्ट एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्लान होगा। सो वो डाइट चार्ट वो लोग ही फॉलो करेंगे जो उस वेट कैटेगरी के होंगे। सो सेकंड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी फैट परसेंटेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डाइट चार्ट को प्लान करने के लिए बॉडी वेट एंड बॉडी फैट परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए आप जब भी किसी भी डाइट चार्ट को फॉलो करते हो तो ये पॉइंट्स को जरूर देखना कि वो आपकी बॉडी वेट एंड बॉडी फैट परसेंटेज की कैटेगरी का है या नहीं। टाइम टू मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज सप्लीमेंट्स। सो डाइट में सप्लीमेंट्स की नीड तभी होती है जब हमको हार्ड मील से इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। सो तभी हमको अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स ऐड करना चाहिए। एंड वैसे तो हम अपनी हार्ड मील से मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर्ड पूरी कर सकते हैं। सो फोर्थ पॉइंट इज मील सेटअप। सो इस डाइट चार्ट सीरीज में आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सी मील कब लेनी है और इन डाइट चार्ट्स में मील्स की क्वांटिटी भी कम रहेगी जिससे कि आप इन मील्स को ईजिली फॉलो कर पाए। तो फिफ्थ पॉइंट इज वेज और नॉन वेज। इस पॉइंट में बेसिकली बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो भी डाइट चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा वो दो डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे, फर्स्ट वेजिटेरियन, सेकंड नॉन वेजिटेरियन। टाइम टू मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फूड सोर्स लाइक चीप एंड एक्सपेंसिव। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट कि मैं डाइट चार्ट्स में ऐसे फूड्स को ऐड करूंगा जो आपको इजीली आपके एरिया में मिल जाए। मैं अपने डाइट चार्ट्स में ऐसे फूड्स को ऐड नहीं करता कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, बल्कि मैं अपने डाइट चार्ट्स में ऐसे फूड्स को ऐड करता हूँ जो हर कोई परचेस कर पाए और उसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी अच्छी हो। और वैसे भी मेरा मेन फोकस ये है कि मैं ऐसा डाइट चार्ट प्लान करूँ जो हर कोई पर्सन फॉलो कर पाए। सो टाइम टू मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर गोल। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स को कवर किया है उन सभी पॉइंट्स में ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो क्या मतलब है इस पॉइंट का? बेसिकली हम सभी को किसी भी डाइट चार्ट को फॉलो करने से पहले हमको अपना गोल पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमको करना क्या है, लाइक वेट गेन, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस या वेट लॉस या जो भी आपका गोल हो। जस्ट बिकॉज ऑफ आप सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए एंड अपने गोल के अकॉर्डिंग ही अपना वर्कआउट एंड डाइट को फॉलो कीजिए। तो अभी तक हमने जितने ही पॉइंट्स को कवर किया है तो उससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरह डाइट चार्ट्स को आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली डाइट चार्ट्स को मैं वीडियोस के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, और मैं बेसिकली उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, मतलब जिन लोगों को पता नहीं होता कि वो डाइट को कैसे ले और कितनी उनकी फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, कितनी मील्स उनके डेली रूटीन में होना चाहिए और कितना उनको प्रोटीन लेना चाहिए। तो लोगों को इसका आइडिया नहीं होता है, खासकर बिगिनर्स को, तो इसलिए मैं ये डाइट चार्ट सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए। तो इस सीरीज को पूरा देखना क्योंकि ये डाइट चार्ट सीरीज बहुत बड़ी होने वाली है। बाकी अभी तक वीडियो पर हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर आपको अपना डाइट चार्ट प्लान करवाना है तो कमेंट बॉक्स में अपना बॉडी वेट एंड बॉडी फैट परसेंटेज के साथ अपने गोल को कमेंट कर देना, जिससे कि मैं आपका डाइट चार्ट प्लान कर सकूं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे आपकी इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।